नमस्कार, ये गोंद का तीरा है और आज मैं आपको इसी के फ़ायदे बताऊंगा। इसका रंग हल्का पीला और सफ़ेद रंग का होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है मैं ये बता देता हूँ। एक बड़ा सा कटोरा लेके उसमें इसको एक चम्मच या दो चम्मच या तीन चम्मच तक, बड़ा जो चम्मच होता है उससे आप तीन चम्मच तक डाल के उसमें एक गिलास पानी डाल के रात को भीगने के लिए छोड़ दें। सवेरे उठ के उसमें ज़रूरत अनुसार देसी खांड या शक्कर मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। कई लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमने भीगा हुआ इसका इस्तेमाल किया ना, सवेरे हमने रात को भिगो दिया, सवेरे जो भीगा हुआ इसका जो बहुत अच्छा सा एक लेवी टाइप में होती है, वो लेवी एक चम्मच लेके एक गिलास पानी में डाल के ऊपर आधा नींबू डाल के और कुछ कोई शहद डालता है, कोई देसी खांड डालता है, कोई चीनी डालता है, जिसको जिस तरह का मीठा पसंद है वो डाल के अच्छे से हल्का सा नमक डाल देते हैं तो शिकंजी सी बन जाती है। वो शिकंजी सुबह खाली पेट, कोई गर्मियों में, तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, जिससे शरीर में गर्मी महसूस नहीं होती और शरीर में किसी तरह की गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि सुबह जो हमने रात को भिगोया होता है तो सवेरे अच्छी सी खील सी बनी होती है, उस खील को लेके दो चम्मच एक गिलास दूध में डाल के उसमें ज़रूरत अनुसार मीठा मिला के इस्तेमाल करते हैं। कोई दही में लेना इसको पसंद करता है, दही में मिला के उसमें ज़रूरत अनुसार कोई मीठा या नमक मिला के इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई लस्सी या कोई छाछ में इसका इस्तेमाल करते हैं और कई लोग तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका पीस के ना अमाम दस्ते में पाउडर बना लेते हैं। उस पाउडर को देसी घी में भून के उसके बाद उसमें देसी खांड मिलाते हैं और अच्छे से इसके लड्डू बनाते हैं। वो लड्डू इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं गोंद कतीरे का लड्डू। वो सुबह शाम दिन में दो बार गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सबका लेने का अपना अपना तरीका है, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उस हिसाब से लीजिए। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बता दूंगा। फ़ायदे बहुत ही अचूक और बहुत असरदार होते हैं इसके फ़ायदे। इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में किसी तरह की कोई कमज़ोरी नहीं आती। और ईरान से ये आता है, फारस से ये आता है, मगर ज़्यादा जो अच्छा होता है ईरान से जो गोंद कतीरा आता है वो बहुत ज़्यादा उसमें गुण पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन महिलाओं को माहवारी ज़्यादा मात्रा में आती है, जिसे हम अत्यधिक माहवारी बोलते हैं, लगातार 6-6 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन रहती हैं, तो ऐसी महिलाएँ 3 दिन से 4 दिन माहवारी आने के बाद इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसको लगभग लगातार 20-22 दिन इसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि जो अगला इनको मासिक धर्म आएगा वो मुश्किल से 3 दिन और 4 दिन ही रहेगा और उनको उसी 3-4 दिन में खुल के आ जाएगा, किसी तरह की उस टाइम में कोई परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा लंबे समय तक उनको माहवारी भी नहीं आएगी। बस यही होगा कि 3-4 दिन में ही वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसका स्वाद मैं आपको बता दूं कि ये स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है और इसका गंध, अगर इसकी स्मेल सूंघे तो ऐसे लगता है जैसे सिरका होता है ना, सिरका जो प्याज का मान लीजिए या मान लीजिए किसी भी तरह का सिरके की जो स्मेल होती है, उस तरह की स्मेल होती है इसके अंदर। जिन व्यक्तियों को नाक से खून आता है या मान लीजिए हीमोफीलिया की परेशानी है, दोस्तों हीमोफीलिया की बीमारी में क्या होता है कि जो हीमोफीलिया का रोगी होता है उनके अंदर जो खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन होता है वो कम बनता है या नहीं बनता, जिसकी वजह से उनका खून कहीं कट लग जाए तो खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो इस गोंद कतीरे में ख़ास तौर पे वही प्रोटीन पाया जाता है जो उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है खून में, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी औषधि है गोंद कतीरे का इस्तेमाल, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। लिकोरिए से परेशान महिलाओं को हम सब कहते हैं प्रदर रोग की बीमारी होती है, उनको योनि मार्ग से सफ़ेद, पीला या लाल रंग का, यहाँ तक कि लिकोरिए के साथ खून आने भी लग जाता है। जब पुराना लिकोरिया हो जाता है तो अंदर जख्म, इन्फेक्शन के कारण जख्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि लिकोरिए के सफ़ेद पानी के साथ साथ खून आने लग जाता है। तो ऐसी महिलाओं को कहूँगा कि आपके लिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है, चाहे आपको सफ़ेद पानी आता है, चाहे आपको पीला पानी आता है, चाहे आपको लाल पानी आता है, जिसे हम कहते हैं खूनी लिकोरिया, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद।
फायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल करिए और अपनी बीमारी को दूर भगाइए, बिल्कुल जड़ से छुटकारा पाइए। जिन व्यक्तियों को पेट में खून में गर्मी ज़्यादा बनती है, घबराहट बेचैनी होती है, हाथों पैरों से जलन होती है, पसीना बदबू वाला आता है, उनके लिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल रात को भिगो के सवेरे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कई रोगी तो ऐसे होते हैं जिनको हाथों पैरों में इतना आग सी निकलती रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन लड़कों को या पुरुषों को धात पड़ने की शिकायत होती है कि लिंग के रास्ते से उनका चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ज़रा सा कुछ सोचते हैं तो निकल जाता है, या मान लीजिए नहीं भी सोचते तो मल मूत्र के वेग को में जोर लगाते हैं तो उसे धात पड़ती है जिससे शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है, उनके लिए गोंद कतीरा सुबह खाली पेट लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गोंद कतीरे का इस्तेमाल करने से दोस्तों एक पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है जिसमें पेट में गैस अफारा भारीपन नहीं रहता, और आप इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट करेंगे तो रात को या अगले दिन सवेरे पेट खुल के साफ हो जाएगा, किसी तरह की कोई कब्ज़ नहीं रहेगी, किसी तरह पेट की कोई समस्या नहीं रहेगी। जिन लड़कों को या पुरुषों को भी बहुत मैंने देखा है, लड़कों को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, 18, 17, 15 साल की उम्र में सपन दोष होने लग जाता है, सपने में आता है उसमें वीर्य का पतन हो जाता है, सखलन हो जाता है वीर्य का, तो उनके लिए मैं कहूँगा, हम सब कहते हैं कि जी मसाने में गर्मी के कारण होता है, तो उनके लिए गोंद कतीरा रात को भिगो के सवेरे खाली पेट खाना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे सपन दोष की बीमारी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। और कईयों के मन में वहम होता है ना कि जी गोंद कतीरा लेने से नामर्दी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप इसका इस्तेमाल करिए। जिन व्यक्तियों का मल त्याग करने के बाद गुदा मार्ग बाहर आ जाता है, जिसे हम गुदा द्वार का गुदा भ्रंश बोलते हैं या कांच बाहर आना बोलते हैं, उनके लिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना, या जिनको बवासीर की शिकायत है, चाहे खूनी बवासीर है, लैट्रिन में मल में खून आता है, या बादी बवासीर है, मल द्वार पे हमेशा जलन दर्द रहती है, एनल फिशर की शिकायत है, उनके लिए गोंद कतीरा रात को भिगो के सवेरे खाली पेट खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सभी तरह के गुदा भ्रंश हो गया, कांच निकलना हो गया, बवासीर की बीमारी होगी, खूनी या बादी, सभी तरह की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जो व्यक्ति कब्ज़ से ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैंने अभी पाचन में आपको बोला था कि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कब्ज़ रहने ही नहीं देता, पूरी छोटी बड़ी आंतरियों को जड़ से साफ़ कर देता है, पूरी तरह से साफ़ कर देता है, तो कब्ज़ की मतलब ही नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो कब्ज़ वालों के लिए मैं कहूँगा कि आप 2 बारी इस्तेमाल करें, सुबह खाली पेट और रात को इसका जो पाउडर बना के रख लें, रात को 1 गिलास गर्म दूध के साथ इस पाउडर को 1 चम्मच खा के ऊपर से गर्म दूध पिए, सवेरे आप देखेंगे कि पेट बिल्कुल खुल के साफ़ हो गया, और बिल्कुल जब पेट साफ़ हो जाएगा तो अगले दिन तो एकदम खुशी सी महसूस होती है, किसी तरह की कोई परेशानी, क्योंकि लोगों को भी पता है कि पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है, इसलिए पेट अगर हमारा स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, तो कभी कोई बीमारी तंग नहीं करती और हम लंबी आयु लेके जाते हैं, हमेशा बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जिन व्यक्तियों को आमाशय में, छोटी आंतों में या बड़ी आंतों में अल्सर की शिकायत है, उनके लिए कैसे गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना है मैं बताया तो, मुलेठी आपने लेनी है 50 ग्राम, गोंद कतीरा आपने लेना है 50 ग्राम, बेलगिरी लेनी है 50 ग्राम। अब तीनों को अच्छे से अलग अलग पीस के पाउडर बना के छान के एक जगह रख लीजिए, उसको डिब्बा बंद करके किसी बर्तन में रख के अच्छे से मिला लीजिए, और उसका 1 चम्मच सुबह शाम आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आमाशय का, छोटी आंतड़ियों का, बड़ी आंतड़ियों का, पेट में कहीं भी आपके कितना भी बड़ा जख्म है, वो बिल्कुल गारंटी से 100% बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों कई लोग पता है क्या कहते हैं कि गोंद कतीरे का लगातार इस्तेमाल करने से नामर्दी आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शीघ्र पतन नामर्दी को वैसे ही ख़त्म करता है जैसे एकदम रामबाण काम कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसका हम गर्मियों में लगातार पूरी गर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह खाली पेट हम इस्तेमाल करें, दोपहर को करें, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह हम सर्दियों में कैसे इस्तेमाल करें, 2 महीने इसको लगातार खाएँ, फिर 1 महीने का गैप डालें, सुबह के टाइम इसको खा सकते हैं, और फिर गैप 1 महीने का जब पूरा हो जाए फिर हम 2 महीने खाएँ, फिर इस तरह उसके बाद 1 महीने का गैप डाल के ऐसे करके हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शरीर की तासीर बता देता हूँ, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है कौन नहीं कर सकता। जो वात वाले शरीर हैं वो इसका इस्तेमाल सुबह के समय करें, दोपहर के समय करें, रात के समय ना करें, और जैसे बताया वैसे करें। इसके बाद जो पित्त वाला शरीर है वो तो
पूरी गर्मियों सर्दियों हमेशा सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा बनता है वो इसका सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर को इस्तेमाल करें, रात को इस्तेमाल मत करें। इस तरह करके अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।